Hello everyone, welcome back to our channel. First of all, wishing you all a very happy new year. And I know बहुत दिनों बाद ब्लॉग कर रहे हैं. It's been around 3-4 months. 3-4 महीने के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मैं. But any which ways, देर आए दुरुस्त आए. तो आज क्या करने जा रहे हैं, आज फर्स्ट टाइम मैं अपने चैनल पे ट्रेन जर्नी एक्सपीरियंस करने जा रहा हूँ. लाइक वंदे भारत का एक्सपीरियंस मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ. अभी नई ट्रेन निकली और हम लोग फीता काटने आ गए इसका. तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्या सीन है ट्रेन का, सारी डिटेल्स बताएंगे. दिल्ली से अमृतसर चली है अभी, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट भी चलते हैं पुरानी दिल्ली से. तो चलो लेके चलते हैं, आपको दिखाते हैं इन एंड आउट एक्सपीरियंस इसका. सो वन थिंग आई वुड लाइक टू से, मैं ट्रेन में काफ़ी देर बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, बट जो यहाँ पे चीज़ें हैं काफ़ी सुधर गई हैं. जैसे प्लेटफॉर्म पे काफ़ी लोग बैठे रहते थे भिखारी भिखारी, अब वो सीन नहीं है. अब बहुत साफ़ सुथरा हो गया मामला, गंदा भी बिल्कुल नहीं है, एंड पुल्स पे कोई अननेसेसरी लोग बैठे नहीं हुए हैं, विच इज़ रियली गुड. एक्चुअली चोर चका रहे होते थे उनमें मैक्सिमम. तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखने में ये बड़ी प्यारी लग रहा है, देखने में इतनी प्यारी लग रही है ना, ये कहने की बात है. और अगर कॉकपिट वाली साइड भी देखो ना, बड़ी इंटरनली इतनी साफ सुथरी लग रही है दैट आई कैन नॉट टेल यू. और स्वाते ही मेरा फर्स्ट ही कोच था, अगर लाइक कोच के अंदर एंटर करें तो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक. ये पेंट्री एरिया आ गया इस साइड पे, एंड ये रही हैं काफी नीट एंड क्लीन, सीट्स आर लुकिंग क्वाइट कंफर्टेबल. यहाँ पे बैठे हैं हम लोग. हाँ, एडजस्टेबल है, साइड पे होगा. बेस्ट थिंग लाइट होता है लाइट, बस लेग रूम काफी अच्छा है लाइट. अगर मैं वैसे बात करूँ शताब्दी में मेरी लेग जो है बहुत फंसती है लाइट, यहाँ पे लेग रूम काफी अच्छा है. दिस इज द कैबिनेट, ये ट्रे या फूट रहे निकल दो. नीचे आ गई मैगजीन ट्रे बॉटल वॉटल रखने के लिए. तो भाई देखने में यार लगते नहीं, मतलब पूरे स्टेशन में ना बाकी सारी ट्रेनों से अलग भी लगती है खड़ी हुई. और कई बूढ़े भी जरूर लड़ाई कर लेते हैं कि ट्रेन में इस ट्रेन में इतने डब्बे हैं, इस ट्रेन में इतने डब्बे हैं. तो जानकारी के लिए बता दूं मैं कि वंदे भारत में है 60 डब्बे, C7 तक के कोचेज हैं यहाँ पे. ठीक है, सो माय गॉड दिस इज द इकोनॉमी क्लास वंदे भारत. तो इस तरह से सीट्स हैं एंड वे कम्फर्टेबल. तो ये एक तरह से आप देख सकते हो सीट्स जो है रोटेट भी हो जाती हैं, दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द इकोनॉमी क्लास. सो ये आ गया पेंट्री एरिया, सच अ लाइक नीट एंड क्लीन एज कम्पेयर टू अदर ऑल ट्रेन्स. तो दिस इज समथिंग विच आई रियली लाइक. बाकी ट्रेनें कहाँ है यार इतनी साफ सुथरी, या ऐसा तो नहीं नई नई है तो इसलिए रेगुलर रहेगी ना. हाँ भैया, आधे से ज्यादा लोगों को तो यही डर है कि चल पड़ेगी दरवाजे बंद हो जाएंगे. वैसे सही भी है, कम से कम टाइम पे तो आएंगे लोग. दरवाजा बंद हो जाए ना, हाँ तो 3 सेकंड के लिए बाहर से आप टच करके रखो, हाँ अच्छा सही है. तो आप बता रहे हो अगर बंद हो रहा है 5 बार इसमें वो करोगे तो बंद नहीं होगा, ऐसे रुक जाएगा, आप एंटर कर सकते हो फिर बंद हो जाएगा, विच इज गुड थिंग. सही है.
ऑलमोस्ट एक मिनट रह गया, आई थिंक बंद होने वाले हैं अब दरवाजे। अनाउंसमेंट भी होती है बंद होने से पहले कि दरवाजे बंद हो रहे हैं समथिंग, मतलब बाहर के लिए। बंद हो गए दरवाजे। चलो कितने चलने से कितने सेकंड पहले बंद होता है? चलो हाँ, तो 3:15 पूरे बंद हो गया। लो जी कॉकपिट भी बंद हो गया। आई थिंक इट विल स्टार्ट। चल पड़ी भाई दिल्ली से आज जा रही है। कटरा वाली एक कटरा को और भी कटरा को दो दे दिए। सामान आ गया, ये आ गया टाइट मिक्सचर, ये आ गई कचौड़ी, ये आ गई पीनट चक्की, और जो अच्छी चीज़ लगी मुझे चाय, उसका चाय मसाला दिया है उन्होंने। एंड देन सॉस आ गई, हैंड सैनिटाइजर आ गया, और भी चाय भी आ रही है हमारी। तो ये डाल दिया हमने चाय, उसका चाय मसाला डाल दे, पूरा डाल दे पूरा। अब पी के भी बता दे, वैसे तो चाय उसका चाय मसाला है तो आई एम क्वाइट श्योर अच्छा ही होगा। हाँ अच्छा, चलो बढ़िया है। चाय कैसी लगी? बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। खाने में नहीं टाइम टाइम पास नहीं, कचौड़ी तुम मुझे दे सकते हो। कचौड़ी अच्छा, मैं अपने भी दे दूँ तुझे, बहुत बढ़िया। बहुत टेस्टी सच में, हाँ। क्वालिटी ऑफ फूड सब के ना, क्योंकि बहुत सारी ट्रेन्स में खाना तो मिलता है पर क्वालिटी के नाम पे ना क्यों ही होता है। पहले बताया स्नैकिंग सही में अच्छी थी, उस टाइम पे भूख लगी थी तो अच्छा लगा? नहीं नहीं सीरियसली अच्छी थी, उसमें जो वो थी कचौड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी है। हाँ। चाय उसकी चाय तो मस्त, हाँ मतलब उम्मीद नहीं की जाती ये चाय उसकी चाय भी। यही बोलूँगी कि चाय उसको टेंडर देना बहुत ही अच्छी बात है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि नहीं तो अलग अलग से हमें एवर रेडी का अलग से दूध पकड़ा दिया जाता है और साथ में चीनी के पाउचेस। इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसमें जो आपको प्री मिक्स मिल रहा था चाय वाला उसमें सब कुछ था, लाइक चीनी भी मिक्स थी, मिल्क भी मिक्स था, और सीरियसली वो बहुत बेस्ट पार्ट था इस ट्रेन का, मुझे बेस्ट चीज़ वही लगी। फिर जब मैंने उनको बोला कि मुझे ना एक चाय और चाहिए, तो उन्होंने मुझे और मेरा नमकीन और वो ले जाओ, तो वो इतने अच्छे थे यहाँ के लोग जो हमें सर्व कर रहे थे,
तो उन्होंने बोला नो प्रॉब्लम, सो यू कैन टेक दिस एज वेल और टी एज वेल। जो ऊपर सामान रखने की जगह भी है ना, वो भी अगर आप देखोगे ना, काफ़ी बड़े बड़े बैग रखे हुए हैं। मेरे अकॉर्डिंग तो पर पर्सन अगर आपके पास एक बड़ा बैग है और एक छोटा बैग है, आप आराम से रख सकते हो। यहाँ पे इतनी स्पेसिंग है, पर बंदा दो बैग रख सकता है। सो उस हिसाब से आई रियली लाइक कि वंदे भारत में काफ़ी जगह है। बस आपको ये चीज़ पर कॉन्शियस रहना है, अगर आप ये बुक कर रहे हो टाइम पर जाना है आपको, वो ज़रूरी है। इस साइड जो सिंगल सीट के पीछे ना काफ़ी स्पेस है, अगर कोई लाइक काफ़ी ज़्यादा लगेज के साथ ट्रैवल कर रहा है तो कंफर्टेबली यहाँ पे उनके बैग में ऑल आ सकते हैं। कंफर्ट तो जो पीछे वाली सीट है उसके पीछे भी काफ़ी स्पेस है, सो स्पेस का कोई इशू नहीं है इन केस समबडी इज कमिंग विद लगेज। अभी वॉशरूम खाली होता है तो एक बार वॉशरूम भी दिखाते हैं। एक बार मैंने कहा बाथरूम का हम थोड़ा ग्लिम्प्स दे देते हैं और एग्जैक्टली इट लुक्स लाइक। तो मिरर देख रहे हो आप सामने, बड़ा नीट एंड क्लीन, एंड क्लीननेस इन्होंने अपनी तरफ से बहुत रखी है। लोगों ने गंदा मार दिया वो अलग बात है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे बेसिन बहुत बड़ा है इन साइज, एंड ये आ गया आपका सोप डिस्पेंसर। द बेस्ट थिंग व्हिच आई लाइक इज हैंड ड्रायर है, और अभी तो अच्छी बात यह है कि चल भी रहा है। ठीक है, ये आ गई सीट, ये पकड़ने के लिए आ गया। उस साइड पे जेट भी लगा हुआ है जो हैंड स्प्रे वाला है, विच इज़ रियली गुड। हल्का भी है साथ में, एंड यहाँ पे जो है टिशू रोल वगैरह लग सकता है। आई थिंक ख़त्म हो गया अभी, नॉट श्योर, हाँ ख़त्म हो गया आई थिंक। एंड ये आ गया बटन फ्लश का। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक। बनाई बहुत साफ सुथरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अब प्रॉब्लम दिखा देता हूँ आपको। प्रॉब्लम आ रही लोगों की, ये देखो। अभी पहला दिन है इसका और गंद मार दिया लोगों ने, तो विच इज़ नॉट कूल यार, नॉट एट ऑल। तो इसको ना थोड़ा साफ सुथरा रखना, क्लीन रखना, ये हमारी भी जिम्मेदारी है। सो एनी विच वेज क्या कर सकते हैं। वन थिंग विच आई रियली लाइक दिस कि वॉशरूम के बाद वेटिंग के लिए इन्होंने से दो चेयर्स भी बनाए हुए हैं, तो विच इज़ रियली गुड। सो अभी हमारी ट्रेन जर्नी पे मैं देख रहा हूँ ये जाकिर खान का मनपसंद, अभी तक 7-8 मिनट का देखा, मेरे को इंटरेस्ट बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मीन वाइल मैं ढूंढ रहा था चार्जर, तो चार्जिंग मुझे मिली नहीं उस साइड पे, बट अभी अनाउंस हुआ है कि चार्जिंग पोर्ट जो है सीट के नीचे है। तो मैं एग्जैक्टली दिखाता हूँ कहाँ पे है। यहाँ पे जैसे मैं बैठा हूँ तो दोनों सीट्स के बीच में, एक बार टॉर्च ऑन करना, ये रहे चार्जिंग पोर्ट, ये यूएसबी केबल है, एंड ये रहे 110 वाट का सॉकेट है। सो यहाँ ये बहुत सही लगा मुझे, हर सीट के नीचे चार्जिंग पोर्ट है, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर, दो सीटों के नीचे भी गुड। सो इसका आप कर सकते हो पूर्ण इस्तेमाल। सो खाना हमारा आ चुका है, दिखा देते हैं आपको। पैकिंग तो बहुत अच्छी है, व्हाट इज दिस, पनीर का पीस है। सो ये आ गया पनीर, पनीर की सब्जी है, ये इधर आ गई दाल, और ये रहा मिक्स वेज, और ये चावल। और मुझे कभी भी ट्रेन का खाना ना फैसिनेटिंग नहीं लग रहा, यार लगा नहीं कि हाँ मतलब फर्स्ट टाइम है, मुझे लग रहा है कि देखने में प्रेजेंटेबल लग रहा है। और साथ में इन्होंने मदर डेरी का हमें दही दिया है, कुछ बिस्कुट और रोटियाँ दी हैं।
तो इसमें इसमें ना दिए 3 रोटी हमें, विच इज गुड फॉर अ 1 पर्सन। सो अभी चलो डिनर करते हैं, फिर आपको डिनर का बताते हैं क्या खाता था। लो जी, तो खाना तो था बड़ा ज़बरदस्त। अब आ गई आइसक्रीम, और आइसक्रीम भी जो है जनरली आप शताब्दी वगैरह ट्रैवल करो तो वनीला मिलती है, यहाँ पे दे रहे हैं ये बटर स्कॉच, विच इज़ अ गुड थिंग। तो भाई अगर ये ले रहे हैं ना एक्स्ट्रा पैसे मील के, तो वर्थ है। अगर 300-400 रुपये ले रहे हैं एक्स्ट्रा, तो अगर आप दोगे ना आपको रिग्रेट नहीं होगा। तो खाने का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कैसा लगा ट्रेन का? बहुत अच्छा लगा, लगा ही नहीं कि ट्रेन का खाना खा रही हूँ मैं। नहीं लगा ना, नहीं सच में नहीं लगा। शताब्दी में आ जाओ, इतनी गंदी रोटी है ना, मैं कहता हूँ कि जानवरों को डालने वाली रोटी, उस लेवल की क्वालिटी है। बट यहाँ पे बहुत अच्छी रोटी थी, यहाँ ऐसे लग रहा था कि मतलब हम खा सकते हैं, और डिसेंट थाली, जैसे हम ऑफिस वगैरह में लेते हैं ना वैसे डिसेंट थाली थी वो। बिल्कुल, और इनमें जो फूड की टेंडर्स नहीं है ना, चाहे वो स्नैक्स करो चाहे वो खाने को, जिस जिस बंदे को भी दिया ना बड़ा मतलब क्वालिटी चेक करके दिया। और सबसे बड़ी बात इस बार ना लो मार्केट वाले का तो आइसक्रीम और दही नहीं मिल रहा, और हाँ जो भी मिल रहा है मदर डेयरी का मिल रहा, और जो फूड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छा। अगर एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं ना तो वर्थ है वो। हाँ वो लग रहा है, क्योंकि 1250 की टिकट तो उसकी भी है ही शताब्दी की, और इस टाइम तो उसकी वो भी बहुत गंदी है सीट्स भी, तो मुझे तो परफेक्ट लगा। एक चीज नोटिस करी, आइसक्रीम भी जो है जनरली वनीला देते हैं वहाँ पे, यहाँ बटर स्कॉच दे रहे हैं। हाँ वो 10 रुपए वाली नहीं है, ये 20 रुपीज वाले थे। हाँ इफ लाइक अगर हम पे कर रहे हैं ना तो उसके अकॉर्डिंग हमें सर्विसेज पे मिल रही है, ऐसा नहीं है कि चार्जेस ही ले रहे हैं, और कभी भी कुछ भी आप एक्स्ट्रा भी मांगोगे वो दे रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप नहीं ले सकते हो। क्योंकि मेरे सामने किसी ने लाइक मसाला टी की जगह नॉर्मल टी जो है बैग वाली वो भी ऑर्डर की थी, तो लोगों को वो भी मिल रही है। तो और लेना चाहेगी इसके अलावा फूड एंड ऑल के अलावा कोई ट्रेन? हाँ मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगी कि मैं पहले ट्रेन में आना नहीं प्रेफर करती थी, मुझे लगता है मैं 7-8 साल के बाद ये आई थिंक मैं ट्रैवल कर रही हूँ। हाँ और मैं बीच में शताब्दी में आई थी बहुत पहले, तो उसके बाद से तो हम गाड़ी में ही आ रहे थे, लेकिन इस ट्रेन के ट्रैवल के बाद मैं बोल सकती हूँ कि हाँ हम इसमें आ सकते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। और मेरे को पूरा रास्ता जागना नहीं पड़ता, क्योंकि अगर मैं उसमें आती थी गाड़ी में तो अंशुमन के साथ मुझे जागना पड़ता था, तो दिस इज अ बेस्ट चीज मेरे लिए। तो इसमें हम लोग चले थे 3:15 पे चले और 8:45 पे पहुंच गए, तो इट्स अ गुड कि आप। हाँ और वैसे कई, हाँ और सबसे बड़ी बात इसमें ये भी है कि आप ऑप्शनल है कि खाना आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर आप खाना विद फूड लेते हो तो दैट इज 1150 के अराउंड, एंड अगर आप फिर एग्जीक्यूटिव क्लास में फूड नहीं लेते देन आपको वहाँ पे पड़ेगी 1565, एंड अगर आप फूड लेते हो वहाँ पे तो 1920 की पड़ेगी। तो ये है इसकी पूरी बाइफर्केशन टिकट की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑब्वियसली एग्जैक्ट अमाउंट डाल दूंगा। और अगर आपने जैसे मील वगैरह घर से लेके आ रहे हो लेकिन आपको अलग से टी कॉफ़ी चाहिए, तो वो ये भी वो ये वो केटरिंग वाले ये भी सर्व कर रहे हैं, तो यू कैन टेक दिस एज़ वेल। मील नहीं ऑप्ट करी यहाँ पे आप आपको ऑप्ट करनी है तो वो भी हो जाएगा, एक्स्ट्रा पे करके यहाँ पे भी ऑप्ट कर सकते हो। सॉरी इन बिटवीन, थैंक यू। यहाँ पे जो है सारे एयर कंडीशन के कंट्रोल्स वगैरह जो है वो दिखते रहते हैं, यहाँ से ये पूरा कंट्रोल करते हैं एसी जन हॉल। ये जस्ट बिल्कुल कॉकपिट के बाहर है। सो ऑलराइट, ट्रेन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, बहुत अच्छा रहा हमारा सफ़र, पता भी नहीं लगा कब अमृतसर पहुंच गए। हाँ जी, सो वी हैव रीच्ड होम, एंड हमारा सफ़र जो था बहुत बढ़िया रहा, पता भी नहीं लगा इतनी जल्दी पहुंच गए, ऑलमोस्ट 5.5 घंटे में, विच वॉज रियली गुड, एंड एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था यार। आई हैव नेवर सीन एनी इंडियन ट्रेन लाइक दिस,
हाईटेक ट्रेन पूरी, और आप अंदर घुसो तो पता लगता है कि कहीं से आए हो आप, कहीं ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो। वरना यार सबसे टॉप क्लास ट्रेन शताब्दी राजधानी थी, बट मैं उनमें भी ट्रैवल किया मैंने, ठीक है। और उसके बाद ना मतलब अब ऐसा हो गया था कि ट्रेन में ट्रैवल करना प्रायोरिटी नहीं रही थी, बट अब बंदा सोच सकता है कि हाँ कि साफ़ सुथरी ट्रेन है और क्वालिटी अच्छी है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, विच वाज़ द बेस्ट पार्ट। जितनी भी सर्विस आई थी ना, चाहे वो फूड की हो किसी भी चीज़ की, वेरी गुड, स्टाफ एंड ऑल वॉज रियली गुड, चाहे वो स्नैक्स हों चाहे वो डिनर हो, एवरीथिंग वॉज टॉप नॉच, टॉप क्लास, क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, विच वाज़ द बेस्ट पार्ट। एंड मैं तो अंदर कॉकपिट में भी मैंने क्लिप्स लिए हैं, आई होप यू हैव सीन दैट, एंड दैट वाज आल्सो वेरी गुड, कि बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की टेक्नोलॉजी अब यूज़ हो रही है। तो पुरानी ट्रेन मुझे लग रहा है आस्ते आस्ते ख़त्म ही कर देंगे, और ये टेक्नोलॉजी जो है इसको बढ़ाएंगे, और इस तरह की ट्रेन जो है और आएंगी इंडिया में, एवोल्यूशन आएगा, तो दैट्स वेरी गुड थिंग टू नो। एंड इसी तरह से हमारे और लोग आते रहेंगे, फिर आप करते रहो इन्जॉय, और आप वंदे भारत में ट्रैवल करो, आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, और शेयर करके हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर। ऑल राइट, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, स्टे ट्यून्ड एंड कीप अस सपोर्टिंग, टेक केयर, बाय बाय।